गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, MSPC कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अपन ने मेथड्स देखे कैसे अपन उसको सोल्व करेंगे। उसके अंदर अपन ने CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना देखा था। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस केस के अंदर अपन कैसे यूज करेंगे इसका, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर तीन तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है जो अपना जो FDD अपना उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे FDD का गुणनखंड करके। FDD का गुणनखंड हो जाएगा उस विधि के हिसाब से अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो होगा वो है अपना है कोसी आयलर प्रमेय। कोसी आयलर एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रमेय दी थी। उस प्रमेय का यूज करते हुए अपन यहाँ पे क्या करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है वो अपना कहलाएगा जब FDD के रेखिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते तो उस केस के अंदर अपन कैसे इसको पढ़ेंगे। तो पहला तो है अपना जब FDD के गुणनखंड किए जा सकते हैं, मतलब अपना जो FDD दे रखा है ना उसका अगर अपन गुणनखंड कर सकते हैं तो उस केस के अंदर अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी FDD मल्टीप्लाई जेड हुआ, वो कुछ होगा फंक्शन ऑफ XY। ये हुआ मेरा फंक्शन ऑफ XY। अब इसको अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करके लिखेंगे। गुणनखंड करके लिख रहा हूँ तो जो पहला हो जाएगा मेरा उसको गुणनखंड होगा D1 माइनस M1 इंटू D1 का डैश। ये है D1 माइनस का M1 इंटू D1 का डैश। यहाँ पे D1 नाम के मान लो उसको मैं D रख रहा हूँ तो ये मेरा होगा D माइनस का M1 इंटू D डैश माइनस का M1 इंटू D डैश माइनस का A1 मल्टीप्लाई होगा किससे, ये तो हो गया मेरा A गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड हो गया D माइनस का M2 D डैश माइनस का A2। ये मेरा हो गया यहाँ से दूसरी इक्वेशन। ये चली जाएगी अपनी कहाँ तक, D माइनस का MN D डैश माइनस का AN। ये मेरे हो गए इसके गुणनखंड। इस गुणनखंड का यूज करते हुए अपन यहाँ पे क्या करेंगे इसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसके हिसाब से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, जो पहला गुणनखंड है उसको मान लो मेरे जीरो के इक्वल है, जैसे डी है, डी को मैंने माना डी माइनस का M1 D डैश माइनस का A1 उसका जो फंक्शन है जेड बराबर मैंने माना जीरो। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी किसकी, फर्स्ट गुणनखंड की, मतलब फर्स्ट M1 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। M1, M2, M3 इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद अपनी ये ऑक्सिलर इक्वेशन आएगी, उसको अपन CF फाइंड कर लेंगे और ये अपनी यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी। यही अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका लैग्रांजे समीकरण लिखेंगे। लैग्रांजे समीकरण लिखूंगा तो मान लो इसकी जनरल इक्वेशन होगी, इसको मैंने माना पी और ये हो गया माइनस का M1 इंटू क्यू, इसको मैंने माना P, इसको माना माइनस का M1, ऐसे कैसे इसको मैंने माना Q, बराबर अपना यहाँ से क्या हो जाएगा A1 इंटू जेड। ये मेरा यहाँ से आ गया A1 इंटू जेड, A1 इंटू जेड आया। अब इसको मैं लैग्रांजेस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे लैग्रांजेस फॉर्म में, लैग्रांजेस फॉर्म में P सबसे पहला गुणांक जिसका dx, dx के बाद नीचे आता है सबसे पहला गुणांक, यहाँ पे सबसे पहले गुणांक है 1 तो मैंने लिख दिया 1। दूसरा है dy और ये हो गया माइनस का M1, तो इसको मैंने लिखा dy अपॉन माइनस का M1, ये मेरा हो गया यहाँ से। तीसरा है dz, इसको मैं लिखूंगा dz अपॉन A1 इंटू z। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों से इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, इन दोनों से इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का M1 इंटू dx बराबर dy, तो माइनस का M1x बराबर y प्लस का M1x बराबर 0। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से देखो, ये है A1z इंटू dx, तो वहाँ पे आ गया A1z इंटू dx बराबर ये dz, इससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से A1 को मैं ले रहा हूँ इधर, A1
फर्स्ट वाला जो मेथड है उसको अपन सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट उसके बाद में एक टेबल दे रखी है अपने को, उस टेबल को अपने को याद रखना है। वो टेबल में लिखवा रहा हूँ आपको, उस टेबल के हिसाब से अगर अपने को ये याद हो गए टेबल तो अपन इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एफ डी डैश, ठीक है। अलग अलग उसके लिए अपन कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद करेंगे। इसके अंदर देखो सबसे पहला मेरा दे रखा है डी, अगर यहाँ पे डी हो फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर फर्स्ट दे रहा है डी, तो उस केस के अंदर ये जो होगा वो होगा 5 × y। अगर अकेला डी दे रखा हो एफ डी डी डैश में तो इसके अंदर जो अपना सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो बन जाएगा केवल 5y, ठीक है। नेक्स्ट अपना दे रखा है d की पावर m, सेकंड मेरा है d की पावर m, तो उस केस के अंदर क्या आएगा 5 × y, 5 की कुछ टर्म आएगी उसका होगा y कंपोनेंट। नेक्स्ट x 5 × y प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा मेरा x की पावर m माइनस का 1 5 m y। थर्ड यहां से थर्ड है वो है मेरा डी डैश, डी डैश मैंने किया तो डी डैश की केस के अंदर ये जो होगा वो होगा 5 × x ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में है अल्फा डी प्लस का अल्फा डी डैश प्लस का ई, अल्फा डी डैश तो है ही है उसके साथ एक कंपोनेंट आ रहा है ई, तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो अपना ये होगा ई की पावर माइनस, अब नया कंपोनेंट आएगा यहाँ पे सी, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का सी वाई हुआ, ई की पावर माइनस का सी वाई और अपॉन ए 5 × ax। पांचवा उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आएगा वो है अल्फा डी सी की पावर एम, अल्फा डी डैश प्लस का सी की पावर एम। ये ऐसे मेरे को बहुत सारी कुछ चीजें दे रखे हैं, या आप अपने इजीली टेबल आप बना भी सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, तो ये चीज आप बुक से देख सकते हो, बुक के अंदर आप इजीली आपको ये टेबल मिल जाएगी और उस टेबल की हेल्प से अपन क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर अपन नेक्स्ट क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपना डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस का डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर डेल जेड प्लस का एक्स वाई, ये मेरे को यहाँ पे गिवन है और बोला है मेरे को यहाँ पे इसका अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखो मैंने बताया डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इसको अपन कर लिख देते एस, तो ये था मेरा डी डी डैश बन गया यहाँ से प्लस का डी माइनस का डी डैश हुआ मेरा, प्लस का डी और माइनस का डी जेड, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अपना जेड, और ये मेरा हो गया जेड प्लस का एक्स वाई, चलो इसको मैं जेड को भी इधर ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया माइनस का 1 जेड बराबर अपना आ गया यहाँ से एक्स वाई। अब ये देखो डी डी डैश डी माइनस का डी डैश माइनस का 1, इसको अपने को किस फॉर्म में लिखना है गुणनखंड की फॉर्म में, तो गुणनखंड की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा तो डी डी डैश है उसको एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि अपना दो फैक्टर आ जाए तो दोनों फैक्टर इस इक्वेशन के बराबर हो, तो सपोज राइट मेरी इक्वेशन मैंने लिखा डी माइनस का 1 और डी डैश प्लस का 1, ये मैंने इसके दो गुणनखंड किए, तो देखो डी को मैं कर रहा हूँ डी से मल्टीप्लाई,
इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, डी डी डैश आ गया, माइनस का डी डैश आया यहाँ से, प्लस इसको मैंने इससे किया प्लस का डी और माइनस माइनस प्लस वन, ये सो ए हो गया माइनस का वन, तो यहाँ से ये दो पॉइंट कट आ गए, डी माइनस का वन डी डैश प्लस का वन बराबर एक्स वाई, अपने पास गुणनखंड आ गए। अब इस गुणनखंड का यूज करते हो अपने यहाँ से सी एफ मैंने क्या बोला था d माइनस का वन है, इधर जाएगा d माइनस का वन d प्लस का वन बन जाएगा। तो अपनी जो इक्वेशन है सबसे पहले x किसका e की पावर x था, e की पावर x 5 इनटू प्लस d डैश प्लस का वन है, तो ये e की पावर बन जाएगा माइनस का x, और ये जो है वो हो जाएगा 5 इनटू x। मैंने बताया था कि d डैश आए तो अपने को लिखना है 5x, अपने पास इक्वेशन आ गई यहाँ से किसकी सी एफ की। नेक्स्ट अपने को निकालना है यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा मैं डी माइनस का वन डी डैश प्लस का वन, और ये जो जेड है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ही रहा है, और ये मेरा आ गया यहाँ से एक्स वाई, तो इसका मैं यूज करते हुए यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा। देखो यहाँ पे मैं एक्स वाई को निकाल रहा है तो अपने क्या आ रहा है एक वेरिएबल आ रहा है एक्स, तो उस केस में अपन क्या करते थे इसका प्रसारण करते थे, तो सबसे पहले अपन प्रसारण करेंगे डी डैश का। चलो मैं इसको करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस d माइनस का वन है, उल्टा करूंगा इसको तो हो जाएगा वन माइनस का d का होल इनवर्स, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया माइनस ऊपर चला गया वन माइनस का d इसका होल इनवर्स, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपने किया वन माइनस का d माइनस का इनवर्स, ये अपनी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस का डी डैश का इनवर्स इनटू एक्स वाई, हो गया अपना क्या किया है अपन ने जो वन है उसको पहले लिख दिया डी डैश अपना बाहर आ गया, तो अपनी ये इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट इसके बाद ये माइनस कैसे कैसे आ जाएगा वन माइनस का डी डी डैश इनवर्स का ये इक्वेशन, तो ये मेरा हो जाएगा वन प्लस का डी प्लस का डी स्क्वायर प्लस का डी क्यू, ये कहाँ से आया इस वाली इक्वेशन से, क्या बना अपना वन प्लस का डी स्क्वायर प्लस का डी क्यू प्लस इसका मैं करूँगा, जैसे वन प्लस का डी डैश है तो इसका भी सेम हो जाएगा, पर इसका पॉजिटिव है तो उस केस में क्या आएंगे तो दूसरा और जो था वेरिएबल आएगा वो तो आएगा नेगेटिव, उसके अलावा आएंगे सब पॉजिटिव, ये हो जाएगा वन माइनस का डी प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी क्यू, और ये मेरा हो गया एक्स वाई, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना और अपनी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी, तो माइनस है एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का एक्स वाई डी स्क्वायर, एक्स वाई का करना है माइनस का वाई निकल के आएगा, तो माइनस का वाई प्लस का एक्स प्लस का वन, ये अपने पास यहाँ से आ गई पी आई निकल के, और ये पी आई जो है अपनी वही अपना क्या रहेगा यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है डी माइनस का थ्री डैश थ्री डी डैश माइनस का टू डी माइनस का थ्री डी डैश माइनस का टू का होल स्क्वायर इंटू जेड टू ई की पावर टू एक्स टेन थ्री एक्स प्लस का वाई, ये मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन का यूज करते हुए अपने को क्या करना है इसके वेरिएबल निकालना। देखो d माइनस का 3 d डैश माइनस का 2 है उसका भी क्या दे रखा है अपने पास स्क्वायर दे रखा है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा ये जो मेरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन को मैं क्या करूंगा गुणनखंड की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा।
गुणनफल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एक तो आएगा यहां से m की पावर 3 और एक आएगा यहां पे किसकी, m माइनस का 3 बन जाएगा ना यहां से। तो उस केस के अंदर अपना जो cf निकल के आएगा, cf स्क्वायर है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, e की पावर 2x। टेबल से, टेबल में बताया था कि मैंने ऐसे इक्वेशन आया, तो उस केस में अपने को ऐसे करना है। तो e की पावर 2x आया, e की पावर 2x 5 माइनस का 3 आ गया, तो यहां पे हो जाएगा px प्लस का y। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में सेम आ रहा है, तो x e की पावर 2x 52 3x प्लस का y, ये मेरी आ गई cf की जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट अपन इसमें अब निकालना अपने को pi, pi अपने को निकालना है। तो pi कैसे निकलेगा, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं d माइनस का 3d डैश माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में अपने जो ये दे रखा है 2 e की पावर 2x 10 3x प्लस का y, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। e के केस में अपन क्या करते थे, e को बाहर ले देते हैं, यहाँ जो d है उसकी जगह d प्लस का 2, यहाँ अगर e की पावर माइनस का 2 है तो वहाँ d माइनस का 2 हो जाता था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 e की पावर जो 2x है उसको मैंने बाहर लिया, 1 अपॉन d है उसकी जगह मैंने लिखा d प्लस का 2 माइनस का 3। अब d डैश की जगह भी अपने को 3 प्लस का 2 लिखना है, नहीं लिखना, ये मेरा ओनली रहेगा माइनस का 3 d डैश माइनस का 2 का होल स्क्वायर 10 3x प्लस का y। ये अपनी हो गई यहां से इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करते हुए अपन यहां पे क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। देखो d प्लस का 2 माइनस का 2, d से d कैंसिल, ये माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 2 e की पावर 2x डिवाइड बाय 1 अपॉन, यहां से बचा d, ये माइनस का 3d डैश, ये हो गया d माइनस का 3d डैश का होल स्क्वायर 10 3x प्लस का y। ये अपन ने यहां पे कर लिया, 2 e की पावर 2x है उसको मैंने ले लिया बाहर, 2 e की पावर 2x को मैंने बाहर लिया। अब यहाँ पे d माइनस का 3d डैश है, तो अपन क्या करते थे उस केस के अंदर, अगर इसका स्क्वायर दे रखा हो अपन उसका प्रसारण करते थे, स्क्वायर होगा तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा मेरा फैक्टोरियल 2 और 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 10 3x प्लस y, हो गया 10 3x प्लस का y मेरे पास निकल के आ गया इस इक्वेशन से। तो अपने पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, x स्क्वायर भी तो आएगा ना, यहाँ से आ रहा है 2 e की पावर 2x x स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 का, हो गया 2 10 3x प्लस का y, ये मेरे पास आ गया यहाँ से pi आ गया। अब इसके अंदर फिर कोई चीज देखनी है कि अपना जो सॉल्यूशन होगा y बराबर या z बराबर जो होगा वो आएगा cf प्लस का pi से, cf अपना निकल के आ रहा है ये यहाँ पे और pi अपना ये है, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वही अपने को यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर देखेंगे अपन यूलर कोची मेथड। तब तक के लिए थैंक यू।